नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, 6 बजे डेली अपनी क्लास चलती है करंट अफेयर्स राजस्थान की। इस क्लास को आप लेना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, चुने हुए क्वेश्चन होते हैं, आपको देखना चाहिए। और कम समय में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कोई कमेंट्स आपका पढ़ने वाला नहीं हूँ। आप हालांकि जवाब देते रहें जो भी आता है आपको, और फटाफट फटाफट आप जो है इन सवालों के जो है आंसर देखते जाए साथियों, ठीक है। मैं आपको बहुत कम समय में आज बताने वाला हूँ। आपके लिए है आज का पहला सवाल है साथियों, एक मुश्त समझौता योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? एक मुश्त समझौता योजना आपको बतानी है, क्या 1 जनवरी 2022, क्या 21 जनवरी 2022, या 8 मार्च 2022, या 1 जुलाई 2021। आपके लिए मात्र 10 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर जरूर दें साथियों। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक मुश्त समझौता योजना कौन सी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पहली बात तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जा रही है। इसमें ये योजना किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं, ये साथियों ये योजना है किसानों से संबंधित है। किनसे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। किसानों के लिए ये योजना क्यों लागू की गई है? तो साथियों, किसानों के लिए जो है, किसान अगर ऋण लेते हैं, ऋण देने के वक्त उनका बकाया जो ऋण रह जाता है, तो उसकी वसूली हेतु 8 मार्च को, कितने मार्च को बताओ, 8 मार्च और 2022 को, 8 मार्च 2022 को अगर कोई किसान एक साथ पूरा पैसा देता है, तो ऐसी स्थिति में साथियों जो है किसानों की बकाया राशि में जो है 50% जो है, एक जो राशि होती है, जो ब्याज होता है, उस पे 50% की जो है छूट देने की बात यहाँ पे की गई है। ये क्या है तो मैं आपको बता दूँ साथियों, इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक अवधि पर ऋण किसानों को बकाया राशि जमा कराने पर 50%, अगर 6 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष तक ऋणी किसान को 40%, 1 वर्ष से अधिक परंतु 6 वर्ष तक ऋणी को 30% की छूट दी जाती है। तो जो है आपको पता होना चाहिए इस योजना को कब लागू किया गया था, तो साथियों 8 मार्च 2022 को इसे लागू किया गया था, आपको इतना पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी, क्योंकि पूछा जाता है, सौभाग्य योजना कई बार एग्जाम में आ चुका है और आपके स्क्रीन पर है, कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, तो सौर विद्युतीकरण से है, जो सौर ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादित की जाती है उससे है। इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, क्या पहला मिला है, या दूसरा मिला है, तीसरा मिला है, चौथा मिला है? जल्दी से फटाफट से इसका आंसर देने का प्रयास करें। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, आज किसी का कमेंट्स नहीं पढ़ने वाला हूँ, फटाफट से आप आंसर देते रहें, और सभी साथी 6 बजे जुड़ते जाएं, ठीक है। 6 बजे डेली अपनी इवनिंग में ये क्लास होती है, इसका आंसर आप देने का प्रयास करें, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ शानदार तरीके से। देखिए, आपको पता होना चाहिए साथियों, सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, कौन सी ऊर्जा की बताओ, और सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अर्थात सौर आधारित जो स्टैंड अलोन, ठीक है, अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण जो है घरों में पहुंचाई जाती है, और घरों में पहुंचाई जाने वाली ऐसी सौभाग्य योजना के तहत इन घरों की संख्या हो गई है साथियों 1,23,682 ऐसे घर है जिनमें सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण किया गया है। और सौर योजना जो है साथियों, ये जो चलाई जाती है साथियों, इसमें जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ये योजना जो है शुरू की थी साथियों 2017 में। इसको कब प्रारंभ किया गया था, सौभाग्य योजना को 2017 में। तो इसके मामले में राजस्थान का स्थान आता है पहला, सही बताया है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने पहला स्थान आता है, ठीक है ना। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 1 जनवरी 2022 से कितने देने का निर्णय किया है, क्या 12, 17, 13 या 8? दीजिए इसका फटाफट से आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाए भाई।
सही उत्तर क्या हो सकता है इसका? देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं, देखो 1 जनवरी 2022 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अशोक गहलोत जी ने जो टोटल इंदिरा रसोई योजना खोली थी 358 शुरुआत में, लेकिन आपने देखा होगा 2022-23 के जो बजट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे 1 जनवरी की नहीं, इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं, तो इंदिरा जो रसोई योजना है इसको शुरू किया था, इसको शुरू किया था 20 अगस्त को। कितने अगस्त को? 20 अगस्त 2020 को इसे स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है वर्तमान में 358 रसोई संचालित है, लेकिन आपने देखा होगा 2022-23 के बजट की घोषणा के अनुसार 512 और बढ़ा दी गई है, जोधपुर से शुरुआत की गई है। तो ऐसी स्थिति में टोटल इंदिरा रसोई की संख्या हो गई है कितनी, बताओ? 870 हो गई है। कितनी हो गई है? 870 हो गई है। और वर्तमान में प्रति थाली जो अनुदान है, जिसे 1 जनवरी 2012 से, सॉरी 2022 से इसे बढ़ाकर 12 रुपये से बढ़ाकर, कितने रुपए से बढ़ाकर? 12 रुपए से बढ़ाकर इसे कितने रुपए कर दिया है? 7 रुपए कर दिया, सॉरी 17 रुपए कर दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा 17 रुपए। और आपको मैं बता दूं, जो है 8 रुपए में, कितने रुपए में बताओ? 8 रुपए में भरपेट जो है खाना दिया जाता है, ठीक है, भरपेट खाना दिया जाता है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंदिरा रसोई योजना का सही उत्तर क्या था बताओ? 17 रुपये। अगला क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एनएफएसए का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। देखिए एनएफएसए साथियों, एनएफएसए के लिए राज्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? क्या 5वां है, 10वां है, 18वां है, ये 15वां है? आप इसका उत्तर दें, ठीक है। अगर मैं बात करूं साथियों एनएफएसए की, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उनको जो है इस एनएफएसए से जोड़ा जाता है, इस योजना से जोड़ा जाता है, ठीक है, उनको लाभ दिया जाता है साथियों। और ऐसी स्थिति में जो है उनको गेहूं वगैरह जो है उपलब्ध करवाया जाता है, निःशुल्क भी उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा नेशनल फूड सर्विस जो है, इसकी अगर मैं बात करूं, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट, ठीक है, नेशनल फूड सर्विस एक्ट की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें राजस्थान को जो स्थान मिला है साथियों, राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। तो मैं अगर बात करूं 5 जुलाई की, कितनी जुलाई की बताओ? 5 जुलाई 2022 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एनएफएसए की जो सूची जारी की गई थी, इसमें राजस्थान का 15वां स्थान था, आपको पता होना चाहिए। और इसका जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ये पहला संस्करण था जिसमें राजस्थान को 15वां स्थान मिला है, याद रखना है। और राजस्थान का जो साथियों यहाँ पे अगर स्कोर की अगर मैं बात करूँ, तो राजस्थान को 994 अंक मिले हैं स्कोर के साथ, जो है यहाँ पर राजस्थान को ये दिया गया है स्कोर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा में 788 स्कोर के साथ जो है पहले स्थान पर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, जिसको सब जानते हैं, चर्चा में रहा है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स 2022 का शुभारंभ कितने स्तरों पर किया गया है साथियों? क्या 2 स्तरों पर, या 3 स्तरों पर, या 1 स्तर पर, या 4 स्तर पर? वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा ओलंपिक, लगभग 30 लाख इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ी तैयार किए गए थे। आप मुझे बताइए कि कितने स्तरों पर ये प्रारंभ किया गया था, जल्दी से देने का प्रयास करें। क्या साथियों ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर ही स्टार्ट किया गया था, या फिर आप मुझे बताओ क्या ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, या फिर जिला स्तर पर तैयार किया गया था, या राज्य स्तर पर ही, या फिर आप मुझे बताइए ग्राम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, या फिर आप मुझे बताइए जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर इसे स्टार्ट किया गया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सही उत्तर होगा 4। इसे साथियों ग्राम स्तर पर भी स्टार्ट किया गया था। कौन से स्तर पर? ग्राम स्तर पर स्टार्ट किया गया था। ग्राम स्तर पर इसे 29 अगस्त, 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस ध्यानचंद,
ठीक है ना, इसे 1 सितंबर तक यहाँ पर स्टार्ट किया था। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ, ब्लॉक स्तर की बात करता हूँ, कौन से स्तर की बात करता हूँ, तहसील की, मतलब ब्लॉक स्तर पर इसे स्टार्ट किया गया था 12 अगस्त से लेकर, साथियों 12 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक इसे स्टार्ट किया था, 2022 की बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आता है साथियों जिला स्तर, कौन सा स्तर बताओ, जिला स्तर आता है, और जिला स्तर पर इसे स्टार्ट किया गया था 22 अगस्त से लेकर और इसे 25 सितंबर तक स्टार्ट किया गया था। डेट आपको याद रहे ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। और फिर आता है राज्य स्तर, कौन सा स्तर बताओ, राज्य स्तर, और राज्य स्तर पर इसे 2 अक्टूबर से, गांधी जी की जयंती से लेकर और इसे 5 अक्टूबर तक जो है चलाया गया था, ग्रामीण ओलंपिक की मैं बात करूं तो। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ढंग से आंसर देने का प्रयास कर रहे, बहुत बढ़िया। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, क्या भास्कर सावंत है, क्या सुबोध अग्रवाल है, या गीता मित्तल है, या इंद्र चौहान है। साथियों इसका आंसर देने का प्रयास करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से आप देने का प्रयास करें, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। भास्कर, सुबोध, गीता या इंद्र। तो साथियों अगर मैं बात करूं आपके लिए तो इसका सही उत्तर होगा भास्कर ए सावंत, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु राजस्थानी स्कूल परिषद ने किस संस्था के साथ हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए, क्या अपना घर के साथ, या RDDM के साथ, या कुलनेट के साथ, या ADB के साथ। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए साथियों। स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए, डिजिटल शिक्षा तैयार करने के लिए, डिजिटल पैनल लगाने के लिए जो है किसके साथ हस्ताक्षर किए, आप मुझे बताइए, क्योंकि ये काम हुआ है साथियों जयपुर के शिक्षा संकुल से, और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु राजस्थान के स्कूल शिक्षा परिषद की अगर मैं बात करूँ तो उस किस संस्था के साथ जो है ये बात हुई है। और मैं अगर बात करूँ टोटल कितने स्कूलों में ये जो है साथियों डिजिटल शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, तो 6,554 स्कूल ऐसे होंगे जिनको डिजिटल किया जा रहा है, और ऐसा काम किया गया है साथियों कुल नेट के साथ में, स्कूल नेट भी कह सकते हैं, कुल नेट भी कह सकते हैं इसको, स्कूल नेट इसको पढ़ना आप, कुल नेट ये लिखने में आया लेकिन इसको आप स्कूल नेट समझना है ना, स्कूल नेट, इसके साथ में जो है हस्ताक्षर हुए साथियों, क्योंकि स्कूल नेट स्कूलों को प्रौद्योगिकी ठीक है आधारित शिक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली एक अनूठी अग्रणी हाईटेक कंपनी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है स्कूल नेट। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर के बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ये लो 8वां क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में छपा हुआ है ये, राजस्थान के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग ने किस ग्रुप के साथ हस्ताक्षर किए हैं, शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था ये, क्या बिरला ग्रुप, या फिर वेदांता ग्रुप, या रिलायंस ग्रुप, या मित्तल ग्रुप। जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें, ऐसा कौन सा जवाब होगा जो बिल्कुल इसका सटीक आंसर निकलता है, क्योंकि साथियों अगर मैं बात करूं कि जो है लगभग 750 करोड़ की बात है, कितनी करोड़ की बात है बताओ, 750 करोड़ की बात है, और ये आंगनवाड़ियों में खर्च किए जाएंगे इतने, तो 750 करोड़ रुपए की अगर मैं बात करूं तो ये 25,000 नंद घर विकसित करने के लिए इनको खर्च किया जाएगा, और इनके खर्च करने का जो उद्देश्य है शिशु एवं मातृ पोषण में सुधार करना, इनको खर्च करने का जो उद्देश्य है शिशु एवं ठीक है शिशु एवं मातृ पोषण, कौन सा पोषण भाई, मातृ पोषण के स्तर ठीक है, मातृ पोषण में क्या करना भाई, सुधार करना, ठीक है, सही उत्तर है इसका वेदांता ग्रुप। एक मिनट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस जिले में पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध संपन्न हुआ है? इसका जवाब आपको देना है क्या बीकानेर के हनुमानगढ़, जालौर या करौली? फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो आपको मैं बता दूं, ये जो अनुबंध हुआ है, ये अनुबंध हुआ है साथियों 17 फरवरी को। कितने फरवरी को? 17 फरवरी 2022 को ये अनुबंध हुआ है। लेकिन इसे सबसे पहले कौन से जिले के साथ में अनुबंध किया गया है? आप इसका जवाब दीजिए फटाफट से, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है, आज किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बराबर से आपको मैं बताए जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है आपका इंतजार करते करते। इसका सही उत्तर होगा साथियों बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। आपको मैं बता दूं साथियों, बहुत से जालौर भी कर सकते थे इसको, क्योंकि यहाँ पर गौशाला है इसलिए। तो मैं बात करूं अगर गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश में पहला जो अनुबंध हुआ है साथियों, आपको मैं बता दूं, पहला पंचायत समिति स्तर पर, ठीक है, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध जो हुआ है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा देख लेना, इसका हनुमानगढ़ भी आंसर हो सकता है, इसलिए आप इसको एक बार देख लेना कन्फर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, इसका सही उत्तर जो है साथियों हनुमानगढ़ है, बीकानेर नहीं है, क्योंकि हनुमानगढ़ की एक तहसील आती है जिसका नाम आता है नोहर, नोहर तहसील आती है। ठीक है, तो ये जिला गोपालन समिति के साथ नोहर गौशाला ने, किसने? नोहर गौशाला ने जो है ये अनुबंध किया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ पंचायत समिति की एक कोहला में नंदी गौशाला खोलने का अनुबंध किया है। इसके तहत 10% राशि, कितने प्रतिशत राशि? 10% राशि जो है संबंधित संस्था के द्वारा, एवं 90% राशि, एवं कितने प्रतिशत राशि? 90% राशि जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वहन की जाएगी, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है खर्च की जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा हनुमानगढ़ होगा, ना कि बीकानेर। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आज का। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? क्या अनिकेत चौधरी है, या अनुरुद्ध सिंह है, या रोहन राजभर है, या उपयुक्त सभी है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 29वें, कौन से बताओ, 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड अभी अभी प्रदान किए गए हैं। और ये जो प्रदान किए गए हैं साथियों 26 सॉरी 6 सितंबर को, कितने सितंबर को? 6 सितंबर 2022 को ये प्रदान किए गए हैं। आपको बताना है किसको प्रदान किया गया है, क्या सभी को दिए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये सभी को मिले हैं, तीनों को मिले हैं ये। ठीक है, याद रखना है सीनियर वर्ग में, कौन से वर्ग में बता दो एक बार, थोड़ा सा और बता देता हूं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सीनियर वर्ग में, सीनियर वर्ग में अगर आपसे पूछा जाए किसको मिला है, तो अनिकेत चौधरी को मिला है। जूनियर वर्ग में आपसे पूछा जाए कि जूनियर वर्ग में किसको मिला है, तो जूनियर वर्ग में मिला है अनिरुद्ध सिंह को मिला है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सब जूनियर वर्ग में किसको मिला है, तो सब जूनियर वर्ग में जो मिला है साथियों, सब जूनियर वर्ग में मिला है, वो मिला है रोहन राजभर को मिला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है मथुरा दास माथुर के जन्मदिन पर दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर 15,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने हजार रुपये? 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए जो इस तरीके से यहाँ पर ये स्मृति चिन्ह और 15,000 रुपये के साथ ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, आज के ये क्वेश्चन थे। अगर आपके जचते हैं, अच्छे लगते हैं, कोई नया विद्यार्थी है, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, लाइक करे, शेयर करे। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आज की क्लास को अच्छे से देखा, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है साथियों, पढ़ते रहे मस्त तरीके से और आगे बढ़ते रहे। ओके, वेलकम, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है साथियों, ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, गुड बाय।